देखो भाई, वो 7 रुपए के अंदर ना बॉल पेन्स तो आपको काफी सारे ब्रांड्स के मिल जाएंगे एंड उसका रिव्यू भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। बट आज हम जेल पेन्स लेके आए हैं, आपको पता है देखो 7 रुपए के अंदर ना एक बढ़िया वाला जेल पेन आना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए आपको थोड़े ज्यादा पैसा खर्चने पड़ेंगे। लेकिन हम फिर भी आपके लिए ना टॉप जेल पेन्स का कलेक्शन लेके आए हैं जो सिर्फ 7 रुपए के अंदर आता है। और आज हमारे पास 11 तरीके के जेल पेन्स हैं एंड हम इनको रिव्यू करके जानने वाले हैं। अगर आपको राइटिंग के लिए जेल पेन चाहिए ना तो कौन सा जेल पेन आपको लेना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको कंपैरिजन करेंगे कि बिल्ड क्वालिटी को लेके, प्रोडक्ट की डिजाइन को लेके, प्रोडक्ट की इंक की क्वालिटी को लेके, कौन सी ब्रांड हमें कौन सी निब साइज देने वाली है, किसकी इंक हमें स्मज फ्री मिलेगी एंड कौन हमें वाटर प्रूफ इंक देने वाला है। तो वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर रिव्यू होगा जेल पेन में एंड हम ओवरऑल लास्ट तक आपको बता देंगे कि आपको अगर जेल पेन से राइटिंग करनी है तो आपके लिए बेस्ट जेल पेन कौन से होने वाले हैं। देखो हमारे पास में मल्टीपल ब्रांड्स के मल्टीपल जेल पेन्स हैं, तो हमारे पास नटराज की तरफ से आने वाला 7 रुपए में नटराज जेल एक्स जेल है एंड 35 रुपए का पैक पड़ने वाला है। तो ये वो सारे पेन है जो अपनी ब्रांड्स के अंदर टॉप है, तो आप समझ सकते हो कि इनका आपस में कंपैरिजन करना और फिर टॉप निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप लोगों के लिए करेंगे। तो रोडिटो का हमारे पास ग्लाइडी जेल है और जो भी आपको 7 रुपए का पड़ने वाला है, क्योंकि देखो ये पेन सभी 5 रुपए के आते थे, तो भाई वो जाओ भूल, 5 रुपए में नहीं आता है आज की डेट में कुछ भी कोई अच्छा पेन है। एल्कोज का मैजिक जेल है एंड उसके बाद इसका प्राइस भी आपको 7 रुपए, क्योंकि ये सभी 7 रुपए और 10 रुपए में जा चुके हैं। टोटम का ऑक्टेव है हमारे पास और 0.5 mm की निब में 6 रुपए का पड़ने वाला है आपको। देखो साइनो में भी जेल पेन आता है, जिसने नहीं देखा वो देख लो, ग्लो जेल है 7 रुपए का पेन पड़ता है। उसके बाद देखो गोल्डेक्स काफी निखरती हुई ब्रांड है आज की डेट में ना, और ये जेल पेन इसका 7 रुपए का है। भाई विन के पेनों को आपने रिव्यू नहीं देखा तो चैनल पे जाके देख लेना, लेकिन जेल पेन नहीं है उसमें, सिर्फ बॉल पेन है। तो विन का ई जेल लेके आए जो काफी अच्छा पेन इसका रहता है। उसके बाद देखो रेनॉल्ड्स का जिफी जेल है, एक सिंपल लुक में है लेकिन भाई प्राइस बराबर है 7 रुपए। उसके बाद देखो सेलो भी इंक्लूड करनी जरूरी थी, तो सेलो का माई जेल है। इसके और भी जेल पेन आते हैं लेकिन भाई टॉप क्वालिटी ये देता है, बाकी फिर पैसा ज्यादा खर्चना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगी। देखो रोनिरुटो का हमारे पास एक और है टेस्टी जेल, तो ये दोनों जेल काफी अच्छे हैं तो इसलिए हमने दोनों को इंक्लूड किया है। उसके बाद देखो हमारे पास कर्व जेल है सुप्रा की तरफ से आने वाला, तो कुछ नई ब्रांड्स भी है तो हमें पता तो होना चाहिए कि आपका नई ब्रांड्स क्वालिटी भी अच्छी दे रही हो। देखो सभी ब्रांड्स के पेन को ना अनबॉक्स कर लिया है, बारी बारी के से एक एक पेन की बिल्ड क्वालिटी एंड राइटिंग एक्सपीरियंस देखते हैं। देखो इस कलेक्शन की शुरुआत की हमने सुप्रा के कर्व जेल के साथ, भाई ये कहने को कर्व है, वैसे इसमें कुछ कर्व नाम पे कुछ भी नहीं है। बाकी देखो आपको यहाँ पे छोटा सा कैप मिलेगा और आपको प्लास्टिक की एक क्लिप मिलेगी, तो भाई 7 रुपए के में तो यही मिलने वाला है, कोई मेटल क्लिप नहीं मिलेगी और पूरी ट्रांसपेरेंट बॉडी मिलने वाली है जो कि आप लास्ट तक अपनी इंक मेजर कर सकते हो। तो सुप्रा के साथ राइटिंग एक्सपीरियंस देख लेते हैं कैसा रहता है, तो इससे हम लिख लेते हैं सुप्रा। तो भाई पेन तो काफी ज्यादा स्मूथ फ्लो कर रहा है, ब्रेक फ्री राइटिंग दे रहा है पूरा। अगर मैं इसका नाम लिख दूं सुप्रा कर्व जेल, तो भाई देखो कहीं भी आपको कैसे भी ब्रेक नजर नहीं आएंगे। तो देखते हैं जो इसकी इंक है वो क्विक ड्राई आपको मिलेगी, तो भाई देखो बिल्कुल क्विक ड्राई इंक आपको मिलने वाली है, बॉल पेन भी समझ देखने को मिलता है। लेकिन भाई ये सुप्रा यार नई ब्रांड है लेकिन इसने मेरा दिल जीत लिया है, बाकी वाटर प्रूफ और मिलनी चाहिए। देखो अभी नेक्स्ट ले लिया है सेलो का माई जेल, रिफिलेबल पेन है, क्योंकि भाई जेल पेन के अंदर भी ना आपको नॉन रिफिलेबल पेन मिल जाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि किस ब्रांड के अंदर आते हैं। ग्रिप सेक्शन इसका जैसा सेम बॉडी बैरल है ऐसा ही मिलने वाला है, तो थोड़ा रफली इसका सरफेस है बॉडी के बैरल का, और यहाँ पे देखो आप अपनी इंक को लास्ट तक मेजर कर सकते हो। इसकी निब भी काफी ज्यादा लेंथी और शार्प सी दिख रही है, तो लगभग 0.6 mm में इसकी आपको लेंथ मिलने वाली है। तो भाई बॉडी डिजाइन तो मुझे इतनी कुछ मतलब यूनिक नहीं लगी है इसकी, बाकी राइटिंग एक्सपीरियंस इससे मैं देखूं तो भाई देखो ये स्टार्टिंग में थोड़ा चला ही नहीं, कोई बात नहीं थोड़ा और ट्राई करते हैं, तो अब थोड़ा चलने लगा है। लेकिन देखो कितनी ज्यादा ब्रेक्स इसके अंदर नजर आ रही है, कहां सुप्रा कर्व था और कहां पे सेलो, जबकि एक बड़ी ब्रांड होने के बावजूद इसके पेन ने ऐसे हमें धोखा दिया है, तो भाई मेरा दिल तो टूटने लगा, और ना इसके उसमें राइटिंग में स्मूथनेस है। तो भाई देखो अभी थोड़ा चलने लगा है, तो देखते हैं स्मज फ्री राइटिंग मिलेगी। तो भाई राइटिंग तो स्मज फ्री है, हाँ इंक कहीं भी समझ नहीं हुई है, लेकिन यार ऐसे चलेगा तो भाई काम नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट हमने ले लिया है रोरिटो का ग्लाइडी जेल, तो भाई देखते हैं कितना ग्लाइडी है। आपको ये भी एक ट्रांसपेरेंट बॉडी के साथ मिलेगा, लेकिन इसकी शेप ना आपको थोड़ी रेक्टेंगुलर मिलेगी, आपको देखो नजर भी आ रही होगी। इसका जो ग्रिप सेक्शन है ना उसमें देखो आपको काफी सारे कर्व से मिल जाएंगे बॉडी कट के अंदर। देखो इसकी निब ज्यादा लेंथी तो नहीं है लेकिन काफी ज्यादा थिक है, तो इसके साथ राइटिंग एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा मिलता है। तो इसका नाम लिख लेते हैं रोरिटो ग्लाइडी। भाई देखो मैं अब तक ना 3 पेन से लिख चुका हूँ, जैसे मैंने सुप्रीम से लिखा था, सेलो से लिखा था, तो भाई सबसे अब तक का बेस्ट है ना जो वो रोरिटो से रहा है, तो इससे भी मैं इसका नाम लिख देता हूँ ग्लाइडी, क्योंकि उसका काफी अच्छा सरफेस था रन करने का पेपर के ऊपर ना,
और देखो इसकी इंक भी कहीं ना कहीं देखो आपको नजर आ रही होगी, सिमज होगी है, तो ग्लाइड से उतना यार मजा नहीं आया जितना मैंने सोचा। नेक्स्ट मैंने ले लिया फिन का ई जेल। भाई ये मेरा ना काफी फेवरेट पेन है 7 रुपए के अंदर आने वाले जेल पेन के अंदर। देखो आपको ना कितनी प्यारी सी बॉडी डिजाइन मिलने वाली है लाइट मल्टी कलर्स के अंदर, और इसका ग्रिप सेक्शन भी ना काफी ज्यादा लेंथी है। अगर आप इतना ऊपर से भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके अंदर कितने ना ग्रूव्स मिल जाएंगे आपको, रिफिल मिल जाएगी, एंड यहाँ से ओपन हो जाएगा। आप अपनी ओपन करने के बाद भी ना इंक मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि कहीं से भी इसमें विजिबल नहीं है इंक। तो इससे राइटिंग एक्सपीरियंस देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं इसकी जो निब है वो काफी लेंथी और थिक आपको इसके अंदर मिलने वाली है। तो देखो मैंने वाओ यार देखो सब पेन ना स्टार्टिंग में थोड़ा ब्रेक्स लिए थे, ये दोनों ब्रांड सुप्रा ने नहीं लिया था, तो इस तरीके से विनी जेल भी फर्स्ट उससे ही ना बहुत बढ़िया चला है। तो ये देखो मुझे लग रहा है क्योंकि इसकी जो राइटिंग है ना वो काफी ज्यादा डार्क मिल रही है, तो कहीं ना कहीं राइटिंग हमें हो सकता है कि सिमज हो जाए क्योंकि क्विक ड्राई, ओ भाई यार विश्वास से भी इसने ज्यादा ऊपर काम किया है कि इसकी इंक ना बिल्कुल सिमज नहीं हुई। मुझे लगा डार्क इंक है तो सूखने में थोड़ा बहुत टाइम लेगी, बट नहीं, इन्होंने भाई पूरी बढ़िया परफॉर्मेंस दी। अब देखो हमारे नेक्स्ट पेन आ चुके हैं गोल्डेक्स के ब्रीज जेल। ये भी आपको मल्टी कलर बॉडीज के अंदर मिलने वाले हैं, लेकिन आपके ना इसके अंदर इंक विंडो यहाँ तक मिल जाएगी और ओपन करने के बाद आप पूरी अपनी इंक नीचे तक मेजर कर सकते हो। तो बाकी जो इसका सरफेस है ना वो आपको थोड़ा चिकना सा मिलने वाला है, तो हाथ ना फिसले। बाकी आपको देखो इसके अंदर जो निब है वो काफी ज्यादा थिक मिलने वाली है। इसके साथ राइटिंग एक्सपीरियंस में देखो कि हमें कैसा मिलने वाला है। तो भाई देखो जैसे ही पेन चला तो कितने सारे ब्रेक्स है, तो मुझे नहीं लगा था कि गोल्डेक्स जिस हिसाब से ब्रांड है उस हिसाब से इसने क्वालिटी इस पेन के अंदर दी है। तो भाई देखो इतना लिखने के बाद भी इन्होंने अभी बहुत ज्यादा ब्रेक्स है इसके अंदर, तो यार वो मजा नहीं आया जो विनी जेल से पहले ही वर्ड लिखते आया था। तो ना उतना सरफेस है इसकी निब के अंदर, और देखो एक भी समझ हो गई है। तो अभी हमने ले लिया नटराज का जेल एक्स। भाई एक सिंपल सी बॉडी डिजाइन के अंदर है, देखो 7 रुपए के अंदर आप भूल जाओ कि आपको कुछ खास ज्यादा बढ़िया बॉडी डिजाइन मिलेगी, लेकिन फिर भी जैसी भी है ना अच्छी लग रही है। पूरा इंक ऊपर तक आपको इसके अंदर मिल जाएगा। देखो इसके अंदर ना काफी अच्छा ऐसा यहाँ पे इन्होंने ग्रिप सेक्शन बनाया हुआ है जिससे आपका हाथ ना बिल्कुल नहीं फिसलने वाला, जिससे ग्रिप आपकी काफी अच्छे मिलने वाली है। निब देखो काफी ज्यादा थिक है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो नटराज के अंदर ना पेंसिल वगैरह तो काफी ज्यादा पॉपुलर है लेकिन पेन्स उतने नहीं है। लेकिन भाई स्टार्टिंग से देखो गोल्डेक्स ब्रीज के कंपेयर तो बिल्कुल चला है साफ, कोई भी ब्रेक इसके अंदर नहीं नजर आई है। तो नटराज का जेल एक्स में इससे नाम लिख देता हूं। देखो भाई बिल्कुल ब्रेक फ्री और स्मूथ राइटिंग एक्सपीरियंस हमें इसके साथ मिल रहा है, और राइटिंग भी अगर समझ फ्री हुई तो नहीं, राइटिंग तो आपको इसके अंदर समझ फ्री नहीं मिलेगी। अगर आपको समझ फ्री राइटिंग चाहिए तो आप और ब्रांड्स के साथ जाना यार। देखो अब हमने नेक्स्ट ले लिया साइनो का ग्लो जेल। तो भाई देखो ये ना आपको 5 मल्टीकलर बॉडीज के अंदर मिलने वाला है। आपको काफी एक मतलब नॉर्मल सी लुक है जो पहले चलती थी पेंस के अंदर, और ये देखो यहाँ पे आपको ना बॉडी के अंदर ये इस तरीके के अलग कर्व से मिलेंगे, और जो निब है वो भी आपको काफी ज्यादा थिक मिलने वाली है, एंड राइटिंग देखते हैं कैसी रहती है। बाकी इसके साथ ना ग्रिप तो काफी अच्छी बन रही है, तो मैं इससे नाम लिख लूं। भाई यार देखो जिन पेंस पे भरोसा नहीं है ना वो खड़े उतर रहे हैं। सेलो का सुप्रा जेल हुआ, ये साइनो का ग्लो जेल हुआ, तो भाई उस हिसाब से तो इसकी राइटिंग ना बड़े बड़े ब्रांड्स को काफी अच्छे से टक्कर दे रही है। तो मैं इसकी राइटिंग देखता हूँ कि हमें समझ फ्री मिलेगी, तो यार ये समझ फ्री राइटिंग भी दे रहे हैं। तो यार इस चीज पे देखो इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। आने वाले टाइम के अंदर ना ये ब्रांड काफी टॉप रहने वाली है क्योंकि भाई क्वालिटी दे रहे हैं, जैसे देखो ये बड़ी ब्रांड ने इतनी नहीं दी थी। देखो अभी ले लिया है रोरिटो का फास्टी जेल। जो ग्लाइडी जेल था ना भाई उसने तो ब्रांड की ना कटाई थी, ना समझ फ्री राइटिंग दे पाया, और साथ में ब्रेक भी राइटिंग थे उसके अंदर। और इसके अंदर देखते हैं जो इसका ग्रिप सेक्शन है ना वो तो नॉर्मल सा है, और थोड़ा ज्यादा ऊपर तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंक पूरी भरी हुई है एंड बॉडी के अंदर कुछ खास नहीं है, पूरी इंक विंडो के साथ आपको बॉडी मिलने वाली है। तो राइटिंग देखते हैं, तो भाई राइटिंग का कलर भी अलग है जो नॉर्मल ब्लू कलर से अलग है, लेकिन भाई चलाई नहीं पेन तो उसने बिल्कुल नाक कटा दी जैसे बड़ी ब्रांड और पुरानी ब्रांड है। तो भाई थोड़ा सा अब तो भी चलने लगा है, तो यहाँ पे देखो इसका कलर भी ना अलग है थोड़ा सा, मतलब ब्लू लाइट सा ब्लू है। तो रोरिटो फास्टी, तो भाई जैसे फास्ट इन्होंने नाम लिखा तो उस हिसाब से तो इसकी रेपुटेशन नहीं बनी है मेरी नजरों में। तो ये देखो भाई इंक भी समझ फ्री में नहीं मिलने वाली है, बहुत ज्यादा समझ हुई है, तो यार काम करने की और जरूरत है अभी इंक पे ना। भाई देखो एल्कोस का मैजिक जेल ले आए हैं। एल्कोस पेन ना काफी अच्छे है, वो हमें पता चला हमने एल्कोस पेन के ऊपर ना डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो हमारे चैनल पे विजिट करके, तो उसमें काफी अच्छे पेन है एल्कोस के। तो भाई देखो मैं इस पेन की बात करूं ना, ये भी आपको सिंपल लुक के अंदर मिलने वाला है, ग्रिप सेक्शन आपको ग्रूव्स में मिलने वाला है, और जो इसकी निब है ना वो भी 0.6 mm में मुझे लग रही है। बाकी देखते हैं कि इसके साथ राइटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो भाई स्टार्टिंग से ही आपको ना ब्रेक फ्री राइटिंग इसके अंदर मिल रही है, और जो इसके साथ ग्रिप सेक्शन भी ना काफी अच्छा बन रहा है, तो जिससे मैं काफी अच्छे से पेज के ऊपर पेन का ना रन कर पा रहा हूं, तो राइटिंग मुझे लग रहा है कि ये समझ फ्री देगा। तो भाई देखो ये छोटी ब्रांड से यार प्रोडक्ट अच्छे दे रही है, मुझे इस चीज पे सोच सोच के भाई दिक्कत ये
ज्यादा लग रही है कि बड़ी ब्रांड्स होके नाम कटा रही है, छोटी ब्रांड यार प्रोडक्ट अच्छे दे रही है। नेक्स्ट हम ले आए टोटम का ऑक्टेव। भाई डार्क कलर्स के अंदर आपको 5 कलर में पेन मिल जाएगा और देखो इस तरीके से टोटम ऑक्टेव की ब्रांडिंग दिख जाएगी। इस पेन को आप इजीली अपनी जेब वगैरह में होल्ड कर सकते हो एंड 7 रुपए के हिसाब से ना थोड़ी 10 रुपए की लुक आपको देने वाला है। और देखो इसके अंदर आपको ग्रिप सेक्शन के अंदर ग्रूव मिल जाएंगे, इंक वगैरह अगर आप मेजर करनी है तो आपको ओपन करके आप देख सकते हो क्योंकि इसकी जो वो रिफिल है ना वो ट्रांसपेरेंट है, बॉडी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो राइटिंग एक्सपीरियंस देखते हैं, लेकिन निब काफी ज्यादा थिक है तो भाई यार सच में कसम से मजा आ गया। लिखते ही ना जो राइटिंग का फ्लो आया पेन के अंदर से वो बिल्कुल नॉन स्टॉप था। लिखते ही कोई भी ये नहीं किचर किचर किया पेन ने या निब ने, तो वो बिल्कुल भी नहीं हुआ इसके अंदर। तो मैं इसका नाम लिख लेता हूँ टोटम ऑक्टेव। तो भाई अब तक तो सब मेरा इसने दिल जीत लिया है, बस ये स्मज फ्री राइटिंग दे दे। ओ भाई स्मज फ्री राइटिंग देने वाला है और ये वाटर प्रूफ और दे दे तो भाई मैं ना सच में इंप्रेस हूँ छोटी ब्रांड से। भाई देखो इस कलेक्शन का हमारा लास्ट पेन है रिनॉल्ड्स का जिफी जेल। ये काफी पॉपुलर पेन है रिनॉल्ड्स की तरफ से आने वाला जेल पेन के अंदर। देखो इसका ग्रिप सेक्शन ना आपको बिल्कुल कितना 30% पेन तक मिलने वाला है और देखो इसका जो बॉडी बैरल है वो भी आपको रफली सा मिलने वाला है और जिसके अंदर काफी अच्छे से इन्होंने बॉडी कट किए हुए हैं। बाकी काफी लंबी आपको एक थिक निब मिलने वाली है। तो राइटिंग एक्सपीरियंस देखते हैं कि हमें इसके साथ कैसा मिलने वाला है। तो भाई नॉन स्टॉप ब्रेक फ्री राइटिंग हमें इसके अंदर मिली है, तो मैं इसका नाम इस पर लिख देता हूँ रिनॉल्ड्स। तो यार वो मैं गलत हो गया, इन्होंने तो ब्रेक स्टार्ट कर दी तो पेन के अंदर ना ब्रेक देखने को मिल जाती है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ऊपर से बड़ी बड़ी ब्रांड्स ये चीज कर रही है, छोटी ब्रांड्स नहीं कर रही, तो यार इस पे और ज्यादा दिल टूटता है। तो हाँ पीछे पीछे देखो आप इसके अंदर ना कोई भी वो नहीं है और समझ फ्री राइटिंग ये लोग देने वाले हैं। मैं थोड़ा और क्विक ड्राई देखूँ, वो थोड़ा बातों में ना सूख गया था, तो भाई नहीं समझ फ्री राइटिंग है तो रिनॉल्ड्स में मेरा विश्वास नहीं तोड़ा है रिनॉल्ड्स वालों ने। देखो भाई अब इन पे ना हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट है और इसमें देखते हैं कितनी ब्रांड है जो आगे के जाती है सिलेक्ट होती है और कितनी ब्रांड यहाँ पे साथ तोड़ देती है। तो भाई देखो सुपरा की कर बिल्कुल भी वाटर प्रूफ नहीं है, सेलो बाई जेल उसका भी बाप है बिल्कुल भी वाटर प्रूफ नहीं है, रोनिटो ग्लाइडी जेल को अभी थोड़ा पता चल जाएगा लास्ट तक, विनी जेल भी आपको बिल्कुल वाटर प्रूफ नहीं मिलने वाला है। उसके बाद देखो गोल्डेक्स का ब्रीज है वो भी आपको वाटर प्रूफ इंक नहीं दे रहे। उसके बाद नटराज का जेलिक्स है, तो भाई एक एक पे अच्छे से लगाऊंगा क्योंकि आपका अभी इतना पानी में नहीं होता होगा जितना ये है। तो भाई देखो रोनिटो का टेस्टी जेल है, ये तो मुझे लग रहा है कि वाटर प्रूफ है। बाकी एल्कोज का मैजिक जेल है बिल्कुल वाटर प्रूफ नहीं है, टोटम का ऑक्टेव तो भाई पानी मैंने लगाया भी नहीं उससे पहले निकलने लगा, रिनॉल्ड्स का जिफी जेल भी वाटर प्रूफ नहीं है। भाई देखो ये तीनों ब्रांड निकल गए, रोनिटो टेस्टी बचा, नटराज जेलिक्स बचा और रोनिटो ग्लाइडी जेल बचा, तो ये तीनों जेल है जो आपको वाटर प्रूफ इंक दे रहे हैं। देखो 7 रुपए में आने वाले इस जेल पेन के कलेक्शन के अंदर ना जो मुझे पेन पसंद आया वो एक तो देखो विन का ही जेल आया है, काफी स्मज फ्री स्मूथ राइटिंग एंड ब्रेक फ्री राइटिंग देने वाला है। उसके बाद देखो एल्कोज का मैजिक जेल आया है एंड लास्ट हमें इसके अंदर ना सुपरा का छोटी ब्रांड है लेकिन ये पेन यार काफी अच्छा था, पर यार ये तीनों पेन ना हमें वाटर प्रूफ इंक नहीं देते, अगर आप पानी से बचा सकते हैं तो इनको ले लो। बाकी भाई देखो रोनिटो की तरफ से आने वाले ना दोनों ही पेन आपको वाटर प्रूफ मिलने वाले हैं और नटराज का जेलिक्स बिल्कुल वाटर प्रूफ है। तो इस कलेक्शन के अंदर 3 ही पेन थे जो सिर्फ हमें वाटर प्रूफ मिले, बाकी तो सब पानी के साथ ना बह गए। आपको कौन सा पेन पसंद है इस कलेक्शन के अंदर और आपने कौन सा यूज किया हुआ है वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से शेयर कर दें। और स्टेशनरी की दुनिया में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें स्टेशनरी वर्ल्ड को अगर आप चाहते हैं 7 रुपए के बॉल पेन के बारे में देखना। अगर आप बॉल पेन से राइटिंग करते हैं तो उसका वीडियो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। तो आपको इसी तरीके की स्टेशनरी और चाहिए तो आप हमें कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेशनरी की अनबॉक्सिंग रिव्यू एंड कंपेरिजन एंड गिव अवे सारा कुछ मिलता रहता है और मिलता रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।